सोता और धीरे धीरे ओ लाला हुंकारा देवे कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी। पार्वती मैया सोए रही हैं, तोती का अंडा जो था फटा बच्चा निकला, ओंकारा देने लगा बजीबा जी। पार्वती मैया सोई गई, तोती का बच्चा ओंकार देने लगा, कैसी लीला है वो लागी और समझ किसी के ना आई, और ओंकार तोता दे बाबा कथा सुना रहे हैं। अब पार्वती मैया परीक्षित जी सोए गई हैं, तोती का बच्चा हुंकार देने लगा है, भोले बाबा बोले पार्वती, पार्वती बोली माफ करना मुझे नींद नहीं दबा दिया, हुंकार कौन दे रहा, तोती का बच्चा निकला, भोले बाबा ने त्रिशूल छोड़ दिया, तोती का बच्चा आगे आगे है। तब से वेद व्यास महाराज की पत्नी चित्त सारी अटारी पर केसों को सुखा रही थी, वही गिरा आत्मा नकली गर्भ में प्रविष्ट हुई, भाई तोती का बच्चा परीक्षित जी सुखदेव का रूप लेकर के पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। यही सुखदेव जी ने बालहीपन से पैदा हुए, भाग दिए गंगा जी के तट पर जाकर के व्यास आसन पर बैठ करके परीक्षित जी को भगवान के चरित्रों को श्रवण कराया। बोलिए गोविंद भगवान की।